इसका फोर नंबर इंटीग्रेशन वन बाई ए का पावर एक्स बी का पावर एक्स लिख रहे हैं। इंटीग्रल हमें निकालना है, हम वन बाई ए बी का होल पावर एक्स नहीं लिख सकते, तो हम ए भी तो लिख सकते हैं, ए बी का होल पावर माइनस एक्स। तो हम लोग जानते हैं ए का पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है जी, ए का पावर एक्स और बाई में लॉग ए प्लस सी। तो यहाँ पे वही हो जाएगा आपका ए बी का पावर माइनस एक्स बाई में माइनस ऑफ लॉग यहाँ पर आ जाएगा ए बी लॉग प्लस। ऊपर चाहो तो लिख सकते हो ए का पावर माइनस एक्स बी का पावर माइनस एक्स और बाई में माइनस लॉग ए बी और प्लस का, समझ गए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं।